नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे रक्तमणि रतन के बारे में। रक्तमणि रतन बहुत इफेक्टिव है, ये माणिक का उपरतन बताया जाता है। जो लोग माणिक को नहीं धारण कर सकते, क्योंकि माणिक रतन काफी एक्सपेंसिव होता है, तो वो लोग रक्तमणि को धारण कर सकते हैं। रक्तमणि ऑलमोस्ट माणिक जैसा इफेक्ट देता है आपको और माणिक से बहुत ज्यादा सस्ता है। तो जो लोग माणिक रतन को धारण न करें वो रक्तमणि को करें, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वैसे ही परिणाम देता है। बट आप समझ लीजिए किस किस कंडीशन में आप इसको पहनेंगे। पहले कंडीशन जरूर समझ लीजिए, अगर कंडीशन आपको पता चल गई तभी आपको फायदा देगा, नहीं तो इसके नकारात्मक फल भी आपको मिल सकते हैं। फायदे समझिए, लाभ समझिए, किस लगन के लोग पहने, किस विधि से पहने, कितने रत्ती का पहने, किस धातु में पहने और क्या कंडीशन होगी जिसमें आप पहन सकते हैं। तो देखिए, रक्तमणि जिसे इंग्लिश में रेड गार्नेट भी बोला जाता है, ये किस चीज का कारक होता है, फायदे क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट नौकरी आप चाहते हैं तो धारण करिए, सरकारी, क्योंकि सूर्य जो है सरकारी महकमे के कारक माने जाते हैं। तो सरकार में आपको दिक्कत है, सरकारी कामों में आपको उलझन आ रही हो, या आप ठेकेदारी करते हैं, रक्तमणि पहनिए। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा रक्तमणि। लीडरशिप के क्षेत्र में रक्तमणि पहनिए, कॉन्फिडेंस कम है रक्तमणि पहनिए, कॉन्फिडेंस बहुत होगा। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है रक्तमणि पहनिए। सफलता नहीं मिल पा रही है आपको, रक्तमणि पहनिए। ऑब्स्टेकल्स आ रही है, बाधा आ रही है, रक्तमणि पहनिए। शत्रु के ऊपर हावी होना है, रक्तमणि पहनिए। प्रमोशंस, रक्तमणि। उच्च सफलता, रक्तमणि। तो रक्तमणि के मैंने बता दिए क्या किस किस चीज के कारक होते हैं रक्तमणि। साथ साथ हमें उनका देखना पड़ेगा कि सूर्य का प्लेसमेंट कैसा है, उसके भी अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। तो देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस चीज के कारक हैं, अब प्लेसमेंट देखना जरूरी है। अगर लगन, सपोज करो यहां पे एक लिखा है, तो मेष लगन के अंदर सूर्य अच्छा फल देते हैं, तो मेष लगन के अंदर आप रेड रक्तमणि पहन सकते हैं। और सूर्य अगर यहां पे बैठे हैं चौथे भाव पे, तो जिस चीज के कारक होते हैं रक्तमणि में तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सूर्य के प्लेसमेंट से भी आप पता कर सकते हैं, आपको सूर्य के प्लेसमेंट से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट देगा रक्तमणि। तो सूर्य बैठे हैं चौथे भाव पे, जो कि सुख भाव होता है। चौथा भाव किसको दिखाता है, दर्शाता है। चौथा भाव दिखाता है आपका भौतिक सुख को, आपके मकान को, आपका वाहन को, प्लॉट को, पैतृक संपत्ति को, भूमि को, किसी भी तरह का सुख जो होगा चौथे भाव से। तो सूर्य यहां पे आपके सुख को बढ़ा देंगे, चाहे वो मकान से लेकर हो या आपका प्लॉट को लेकर हो, या जो भी जिंदगी के अंदर सुख होगा आपका सूर्य की दशा अंतरदशा के अंदर, आप अगर रक्तमणि पहनेंगे और सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है तो आपको फायदा होगा। इसी के कारण मेष लगन के अंदर सूर्य यहां पे बैठे हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जिस चीज में आप रक्तमणि पहन लिया, जिस चीज में भी हाथ डालोगे उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य का भी कंडीशन देखनी होगी आपको। अब मैंने आपको फायदा बता दिया, मैं आपको लगन बताता हूं किस किस लगन में आपको पहन सकते हैं। जैसे यहां पे एक लिखा है मेष लगन, इसी प्रकार अगर यहां पे चार लिखा है कर्क लगन, यहां पे पांच लिखा है सिंह लगन, यहां पे आठ लिखा है वृश्चिक लगन, यहां नौ धनु लगन, इन्हीं लगन के अंदर आप धारण करिए इसको रक्तमणि को, तभी आपको फायदा देगा। और किसी लगन के अंदर मत पहनिएगा, खराब फल देगा आपको। दूसरा, प्लेसमेंट देख लीजिए, सूर्य पहला चौथा सातवां दसवां यानी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और ये लगन हो, तभी वो आपको फायदा देगा। लाभ भाव में और धन भाव में भी आप उनको पहन सकते हैं। छह आठ बारह त्रिक भाव में कभी मत पहनिएगा, चाहे कोई सी भी लगन हो, ये भी लगन हो, बहुत नकारात्मक फल देंगे। क्योंकि छठा आठवां बारहवां रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मृत्यु तुल्य कष्ट दंड हानि परेशानी खर्चा इन सबको दर्शाता है, तो कभी मत पहनेगा और ज्यादा दिक्कत में फंस जाएंगे आप। कंडीशन, ये लगन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। देखिए, एक मैं और बता देता हूं, अगर सूर्य की जो अंश है कोई भी ग्रह जीरो से तीस के बीच में होता है, अगर बारह से छह बारह से सोलह अवस्था में है वो, यानी उनका जो अंश है बारह से सोलह है किशोर अवस्था में है, तब तो सूर्य 100% पूर्ण रूप से फल देंगे ही कारक होके। तो अगर उनकी डिग्री कम है, वो केंद्र त्रिकोण में है, कारक है, उनकी डिग्री कम है, वो जीरो से तीन बाल अवस्था या 27, 28, 29, 30 मर्तवस्था या पीड़ित है, मर्तवस्था या फिर वर्धावस्था में है, तभी आप सूर्य का रतन धारण, या सूर्य से अस्त, सूर्य है वो, सूर्य से तो अस्त होंगे नहीं, तो तभी आप उनका रतन धारण करिए। अगर वो उनकी डिग्री कम है सूर्य की और वो केंद्र त्रिकोण में है, तो यहां पे वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। त्रिक भाव में ना हो, नीच के ना हो, सूर्य
तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो नीच के नहीं होने चाहिए, त्रिक भाव में ना बैठे हो और जो लगन मैंने बताई वो हो, और कमजोर अवस्था होंगे तो तब तो जरूर पहनिए, तभी आपको रक्त मणि के अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। विधि, रविवार को पहनेंगे, शुक्ल पक्ष में रविवार को सूर्य का बीज मंत्र करेंगे 108 बार, गंगा जल और दूध में रखेंगे, और गोल्ड में ही आप इसको बनवा सकते हैं, सूर्य का जो रतन होता है और किसी धातु में नहीं चलता, सिर्फ गोल्ड में, और 108 बार बीज मंत्र के बाद आप इसको शुक्ल पक्ष में सूर्यदेव के पश्चात धारण कर सकते हैं, बहुत अच्छा फल आपको फायदा देगा। रत्ती, अगर सपोज करो आपका 80 किलो वेट है तो आप 8.25 रत्ती का धारण कर सकते हैं, इसी प्रकार 70 किलो है तो 7.25 रत्ती, इसी प्रकार 60 किलो है तो 6.25 रत्ती, इस प्रकार आप धारण कर सकते हैं रतन को। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत इजीली की तरह से बताया रेड गार्नेट के फायदे, रक्तमणि के फायदे, किस अवस्था में पहनेंगे, किस कंडीशन में पहनेंगे, किस लगन के लोग पहने, किस विधि से पहने, कितने रत्ती का पहने, किस धातु से पहने, और हमेशा लगन को लेके पहने। कभी भी आप लोगों में से बहुत से लोग राशि को लेके पहनते हैं, राशि से कभी रतन नहीं पहन सकते, सिर्फ लगन के माध्यम से। सही रतन का चुनाव करना बहुत जरूरी है, तो मैंने बहुत आसान विधि से आपको बता दिया आप कैसे धारण कर सकते हैं, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की और सरलता से कोशिश करूंगा। धन्यवाद।